अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। हमने तुम्हें तकलीफों के सिवा और दिया ही क्या है? अब बहुत हुआ, अब बस और नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप पार्थ? चुप हो जाइए बस। हमें आजाद कर दो मीरा, क्योंकि हमारी आजादी से ही तुम आजाद होगी। तुम्हें खुश रहना है, हमारे साथ तुमने बहुत दुख देख लिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पार्थ? हमारे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बिन पार्थ के मीरा खुश क्या, जिंदा भी नहीं रह सकती है। तुम जिद्दी हो मीरा, लेकिन अब जिद मत करो। तुमने अपनी जिंदगी हमारे लिए तबाह कर ली है, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, खुश रहना है। तुम्हारी खुशी से ही हमें खुशी मिलेगी। जाने दो हमें। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कहीं नहीं जाएंगे आप। मरते दम तक हमारे साथ, हमारे पास, हमारी आंखों के सामने रहेंगे। अपने भी हमें छोड़कर जाने की मत सोचिएगा पार्थ। आपकी सांसें हमारी सांसें चलती है। इस बार अगर आपको हमारी जरा सी भी फिक्र है ना, तो ठीक करिए खुद को। आप ही हमेशा कहते हैं ना कि आपने हमें हमेशा दुख दिए है, तकलीफ दी है, तो फिर खुशियां देने के लिए अब अच्छा कीजिए खुद को। ठीक होकर जिम्मेदारी निभाई अपनी। हाँ पर खुश रखिए हमें प्लीज। उठिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। जल्दी से ठीक हो जाइए पार्थ प्लीज। हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, जो भी है तुम्हें दे रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे कुछ काम आ जाए। इसे रख लो बेटा और अपने पार्थ को बचा लो। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे माँ। माँ, हमारे पार्थ को कुछ नहीं होगा ना? हाँ बेटा, सब सही हो जाएगा। हम सब सही करेंगे। हम अपने पार्थ को कुछ नहीं होने देंगे। आप भगवान जी से प्रार्थना करिए ना कि वो पार्थ को कुछ ना होने दे, ठीक कर दे उन्हें जल्दी से। बिट्टू, कान्हा जी तो तुम्हारे दोस्त है ना, तो तुम कहो उनसे कि वो जल्दी से हमें हमारे पार्थ को लौटा दे प्लीज। कुछ नहीं होगा, सब सही होगा।
इन सब का पूरे 10 लाख दे देंगे। 10 लाख? लेकिन ये ज्वेलरी तो इससे महंगी है। अरे बिटिया, सोने पे बट्टा लगता है और आजकल सोने का क्या भाव चल रहा है उससे देखा जाए तो ये सब बहुत ज्यादा है। और तुम्हारे जो जेवर है ना, उसमें कुछ तो घिसे हुए है, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब जो भी है प्लीज दे दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। मीरा, ये हमारी तरफ से 40,000। बस इतनी हो पाए, हमारे पास 50 ही हैं। थैंक यू सर। सुनिए ना, समझिए ना, 20 लाख रुपए चाहिए। नहीं, हेलो, हमारा नसीब ये है कि तुम हमसे प्यार करते हो। मेरा, हमें तुम्हारी आदत डाल दी, ऐसा लगता है कि तुम पे हमारा हक है। तुम हमारे लिए जो कर रही हो ना, उसके सामने प्यार शब्द बहुत छोटा लगने लगा है। हम ये शादी नहीं कर सकते, मीरा के साथ गलत नहीं कर सकते। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। ये काम की बूंदे अगर कुछ काम आए तो। बेटा ये ले पैसे और जाके अस्पताल में जमा करा। ये लीजिए आप पैसे। वो पेशेंट है ना आईसीयू में, पार्थ ठाकुर, ये उनके लिए। थोड़ा सा ये तो सिर्फ 20 है, 20 लाख और चाहिए। हाँ हम जानते हैं, हम सारे पैसे जमा कर देंगे। आप पहले ये लीजिए ना और प्लीज इलाज शुरू करवा दीजिए पहले। मैम, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, पर वी कैन नॉट चेंज द रूल। जब तक पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता हम इलाज शुरू नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी। आप ऐसा करिए, एक दिन का टाइम और ले लीजिए, जब तक पेशेंट का बेसिक ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, पर जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, वरना पेशेंट की हालत और बिगड़ सकती है। हमें आज़ाद कर दो मेरा, हमारी आजादी से ही तुम आजाद होगे। हे कान्हा जी, अब हम 20 लाख का और कहां से इंतजाम करें? ये केस हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है। क्या हुआ मदर? हमारे पास पैसे है ना? माँ, अब हमारे पास एक ही चारा है, ये घर हमें बेचना होगा। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। हमें खुश कर दो मीरा और बचा लो अपने पार्थ को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्थ जिंदा रहे या मर जाए। कान्हा जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बेटा,
पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना। हमारे बेटी को बचा लो, कुछ भी करो, वापस ला दो हमारे बच्चे को, वापस ला दो। पार्थ को बचा ले बेटा, पार्थ को बचा ले, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए और हम पार्थ को बचा लेंगे। पार्थ को बचा लो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए और हम पार्थ, बस एक रात के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है, बचा लो, ज्यादा टाइम नहीं है, आ जाओ मीरा, बचा लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए हम पार्थ को बचा लेंगे, ज्यादा टाइम हमारे पास, आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए हम पार्थ को बचा लेंगे, पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना मीरा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना, हमारे पास आ जाओ मीरा, बस एक रात के लिए और हम पार्थ को बचा लेंगे। शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम। ये कैसी दुविधा में डाल दिया है कान्हा जी। हमें खुश कर दो मीरा और बचा लो अपने पार्थ को। हमें पार्थ को बचाना होगा। हमें जाने दो मीरा, हमारा वक्त आ गया। क्यों आई हो यहां? हमें आपकी शर्त मंजूर है। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने मीरा, कोई भी पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए यही करती। I'm really proud of you. तुम सही में पार्थ से बेअंतहा प्यार करती हो।
जी, हम नहीं कर पाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दो से नए नाम मिलाएंगे के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हम आपसे एक विनती करने आए हैं, कल प्लीज हमारे पति के ऑपरेशन को मत रोकिए। अच्छा, आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं ना? पैसे तो सर पूरे जमा नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम पाई पाई करके सब भर देंगे। क्या सर, आप जो काम कहेंगे ना हम करने के लिए तैयार हैं। आप इस हॉस्पिटल में कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी बोलेंगे हम करेंगे। मतलब हम जिंदगी भर आपके गुलाम बनकर रहेंगे सर, लेकिन हमारे पति का इलाज मत रोकिए सर, प्लीज। मीरा जी, आपकी प्रॉब्लम और सिचुएशन को हम समझते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, बिना पैसे के पार्थ का इलाज नहीं होगा। आपके जैसे यहाँ कई पेशेंट्स आते हैं। आप इतनी कठोर कैसे हो सकते हैं? ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है, कि बस पैसा ही सब कुछ होता है? आप डॉक्टर है ना, जिम्मेदारी का पेशा है आपका, आपका तो फर्ज है लोगों की जान बचाना। और जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मरते तब तक हम इस हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं सर, आप बोलेंगे ना तो हम साफ सफाई भी कर देंगे, पर प्लीज सर, प्लीज हमारे पति का ट्रीटमेंट कर दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सुनिए सर, हमारी बात सुन लीजिए सर, प्लीज हमारे पति की जान बचा लीजिए सर, प्लीज ऐसा मत करिए। नर्स लेकर जाइए ना। नहीं नहीं सर, सर प्लीज आप हमारी बात सुनिए। मैम, आप अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए, बिना पैसे के हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते। सर ऐसी बात आप कैसे कर सकते हैं सर, प्लीज सर लेकर जाइए ना, यहाँ जान का सवाल है, छोड़ो। हम आपके किसी काम नहीं आ पाए, इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, हम सोचते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है आपका जो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए कुछ पैसे तक अरेंज नहीं कर पाए हम, इससे बुरा और क्या हो सकता है, कोई अर्थ नहीं है हमारे जीवन का, क्या फायदा हमारे प्यार का जब उसके होते हुए हम आपकी जान नहीं बचा सकते। बहुत घमंड था हमें अपने प्यार पर, कितने बुद्धू थे हम, देखिए हालातों ने कैसे एक मिनट में हमारा सारा घमंड तोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा हमें पार्थ, धिक्कार है हमें अपनी जिंदगी पर, I'm so sorry, लेकिन हम हार गए, हमारा प्यार हार गया पार्थ, हम हार गए। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला।
कहाँ गए? मैम, आप अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए। बिना पैसे के हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते।